आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर। ये एक इजी चैप्टर है, तो बहुत अच्छी बात है। इजी चैप्टर है तो हम बहुत खुश होते हैं। ओके, और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है। काफी क्वेश्चंस फिजिक्स में रहेंगे जहां पर हमें लगेगा न्यूटन्स लॉज अप्लाई करना चाहिए, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उससे एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम काइनेमैटिक्स के इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इस मेथड से जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम भी लगता है। ओके, तो जो हमें पसंद नहीं है, अगर वैसे ही क्वेश्चंस हम वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें तो हमें आंसर बहुत इजीली मिल जाता है। सब कोई खुश? सो इजीली हमें आंसर मिलेगा। एक ऐसा सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा एक सरफेस है, ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज है, ये 75 डिग्रीज है। सरफेस, पूरा सरफेस फ्रिक्शन लेस है, और यहां से एक मास स्लाइड कर रहा है ऊपर से। इसका इनिशियल स्पीड जीरो है, यहां पे वो स्लाइड करके आ रहा है, और उसका फाइनल स्पीड वी है। हमें वी कैलकुलेट करना है। ये हाइट दिया हुआ है h1, ये हाइट दिया हुआ है h2, ये हाइट दिया हुआ है h3। सो अगर किसी को सिर्फ न्यूटन्स लॉज मालूम है, सो बोलेगा इसका यहाँ पे फोर्स डाउन द प्लेन होगा mg, साइन जो भी एंगल है, अलग अलग एंगल्स अलग अलग जगह है, सो साइन थीटा लिख देते हैं। फिर वो बोलेगा एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, सो उसे एक्सेलरेशन मिलेगा g साइन थीटा। अब यहाँ पे वो v कैलकुलेट कर सकता है, सो वो अप्लाई करेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यू जीरो है वहां पे, और फिर वो लिखेगा 2a। अभी ये s चाहिए, सो s ट्रिगोनोमेट्री से मिलेगा, वो हो जाएगा h1 बाय साइन थीटा। सो h1 बाय साइन थीटा बिकॉज वो h1 है, राइट। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल हमें दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है, ऑपोजिट साइड हमें मालूम है, सो हमें हाइपोटेन्यूज मिल सकता है इजीली एच बाय साइन थीटा बिकॉज ऑपोजिट साइड है एच। या फिर अगर कहीं पे बेस भी दिया हुआ है, वी कैन कैलकुलेट दैट हाइपोटेन्यूज बी बाय कॉस थीटा। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है, तो उसका एडजेसेंट साइड होगा एल कॉस थीटा, ऑपोजिट साइड होगा एल साइन थीटा। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, राइट। सो ये हो जाएगा एल साइन थीटा, ये हो गया एल कॉस थीटा। नाउ अभी वो वी कैलकुलेट कर सकता है आराम से, उसको यहां का वी मिल जाएगा, उसी तरह से आगे ये प्रोसीड करेगा। फिर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, इनिशियल वेलोसिटी ये वाला वेलोसिटी होगा, तो वो कैलकुलेट करेगा यहाँ का वी, फिर वो प्रोसीड करके फाइनली उसको फाइनल स्पीड मिल जाएगा। नाउ इफ अप्लाई वर्क पर एनर्जी, देन वी कैन गेट द आंसर इन वन स्टेप। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी इंटू एच, एंड द गेन इन काइनेटिक एनर्जी
is half mv squared. So now straight away we get the answer, v equal to root 2gh. कितना सिंपल है, एक ही स्टेप में आंसर आ गया. यहां पे जब हम न्यूटन्स लॉज और काइनेमैटिक्स अप्लाई कर रहे थे, कितना हमें हार्ड वर्क करना पड़ा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ा, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करना, यहाँ पे एट द एंड ऑफ वन इंक्लाइन प्लेन ये H1 यूज किए, H2 यूज किए, कितना स्टेप्स करने के बाद आंसर आया. पर यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो वी आ गया रूट टू जी एच. ऐसा कॉन्सेप्ट हम कब अप्लाई कर सकते, ऐसा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमें फाइनल स्पीड कैलकुलेट करना है. काफी क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत कुछ हो रहा है, उसके बाद यू हैव टू कैलकुलेट फाइनल स्पीड. सो वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट टू फाइंड फाइनल स्पीड. ऑल्सो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट टू फाइंड फाइनल एंगुलर स्पीड व्हेन वी आर डूइंग क्वेश्चंस ऑन रोटेशनल मैकेनिक्स. सर एक क्वेश्चन है जहां पे सिर्फ फाइनल स्पीड वी कैलकुलेट करना है या फिर फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा कैलकुलेट करना है, देन वी कैन यूज वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट.